गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, उठो धरा के अमर सपूतों। कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम पहले कवि के जीवन परिचय को समझेंगे। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ पुनः निर्माण करो माँ, यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है हिंदी साहित्य जगत के जाने माने कवि हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से कविता यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। उठो धरा के अमर सपूतों, मतलब देश के जो नव युवक हैं उनको कह रहे हैं कि तुम अमर सपूत हो, इस उठो धरा के अमर सपूतों, इस धरती के तुम सपूत हो, पुनः नया निर्माण करो यानी देश के लिए कुछ अच्छा काम करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। तो इन दो लाइन का पहले मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, मतलब लोगों के जीवन में नया उमंग और नया उत्साह भरो, नव प्राण भरो यानी नया उत्साह भरो, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, सब कुछ नया है आपके लिए। कवि कह रहे हैं कि नई सुबह है, सब कुछ नया है, नया बात है, सूरज की नई किरण है और ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, मतलब नया उत्साह, नया तरंग है, नई आस उम्मीद है और सांस भी नई है। तो देश के जो युवा बच्चे हैं उनको कवि उत्साहित करते हुए कहते हैं, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। युग युग मतलब युग युगांतर से बरसों बरसों से मुरझे सुमनों में जो फूल मुरझा गए हैं उनमें नई मुस्कान भरो, यानी जो हताश हो गए हैं, जिनका जीवन उदास हो गया, उनमें नया उमंग और उत्साह भरो। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, डाल डाल पर बैठ विहग, विहग यानी चिड़िया पेड़ों के डालों पर बैठकर नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। प्रकृति का सुंदर चित्रण है, मन में नया उत्साह है, नए युग की नूतन वीणा में नया राग नौगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग भरो, नवगान करो, नया नया आविष्कार करो, नया गान करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है ना, कली कली खिल रही वह फूल मुस्काया है, मतलब हर चेहरा खिला हुआ है और हर फूल मुस्कुराता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सेकेंड पेज में हम देखेंगे, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, मतलब धरती माँ आज फिर से सजी है और सुंदर लग रही, उनका शरीर जो है वो सुनहरा हो गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, है ना। नूतन मंगलमय ध्वनियों से मतलब नई आवाज़ से देश के लिए जागृत हो, गुंजित जग उद्यान करो,
सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। अपने ज्ञान के जो मंदिर हैं वो तुम्हारी ही कह रहे हैं कवि, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुमसे ही देश के जो बालक हैं वो इस देश के रक्षक भी हैं और पुजारी भी हैं। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सत सत यानी सौ सौ बार ज्ञान के दीपक को जलाओ और नव युग का आह्वान करो, मतलब नए युग का निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो देश के जो नव युवक हैं उनको जागृत करते हुए कवि ने सुंदर रचना की है। आशा आज आपको समझ में आ गया होगा। आगे का इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।